आदाब और नमस्कार, नोवे इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेग। आपको सारी सच्चाई जानकर हैरत होगी, क्या ऐसी भी कोई डेग है। सिर्फ यही नहीं, इसमें पकने वाली खाने की मात्रा भी बताई जाएगी। इस न्यूज को अंत तक देखें और जानें इस डेग के पीछे की सच्चाई नोवे इंडिया न्यूज के साथ। भारत की सबसे बड़ी डेग अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में है। अकबर बादशाह चित्तौड़गढ़ विजय के बाद पैदल अजमेर आए और दरगाह में हाजिरी दी। इसके बाद उन्होंने यह बड़ी देग बनवाई। इस देग में 80 मन लंगर एक साथ पकता है। लंगर चावल, मेवे, दूध और शक्कर आदि मिलाकर पकाते हैं। इस देग में मांसाहारी लंगर कभी नहीं पका। वर्तमान में उर्स के दौरान बड़ी देग खासतौर से पकती है। आम दिनों में छोटी देग में ही लंगर पकाया जाता है। करीब 4 साल पहले बड़ी देग के तले की मरम्मत कराई गई थी। दरगाह शरीफ के अंदर नियाज विशुद्ध रूप से शाकाहारी भोजन चावल, घी, मेवा, केसर और चीनी के साथ पकाया जाता है। पकाने के लिए 2 बड़े देग बर्तन लगाए गए हैं। एक कड़ाही देग में खाना पकाने की प्रणाली सबसे पहले अकबर द्वारा शुरू की गई थी। तब से देगों में आमतौर पर रात में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और फज्र सुबह की नमाज के बाद लोगों के बीच वितरित किए जाते हैं। जहांगीर के समय अजमेर का दौरा करने वाले टोम्स कोरियात का कहना है कि मुगल बादशाह ने एक बार देग में खिचड़ी को 5,000 लोगों के बीच बांटने का आदेश दिया। पहले अपने हाथों से एक थाली में खिचड़ी निकालकर, उसके बाद रानी ने, नूरजहां और हरेम की अन्य स्त्रियां। एक बार शाहजहां ने देग की तैयारी में एक नीलगाय मृग की प्रजाति में से एक का मांस मिलाया, जिसे उसने एक शिकार अभियान के दौरान गोली मार दी थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अजमेर मराठों और राजपूतों के नियंत्रण में आया तो इन देगों में एक नए प्रकार का भोजन बनाया गया, जिसे केसरिया भात, केसर के मीठे चावल के रूप में जाना जाता था और यह आज भी जारी है। बड़ी देग, यह सम्राट अकबर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें 4,800 किलोग्राम भोजन पकाया जा सकता है और इसकी लागत लगभग 2,00,000 भारतीय रुपए आती है। छोटा देग, यह सम्राट जहांगीर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें 2,400 किलोग्राम भोजन पकाया जा सकता है, जो लगभग 1,00,000 भारतीय रुपए के बराबर होता है। सूफी संत एक ईश्वरवाद पर विश्वास रखते थे। यह सभी धार्मिक आडंबरों से ऊपर अल्लाह को अपना सब कुछ समर्पित कर देते थे। ये धार्मिक सहिष्णुता, उदारवाद, प्रेम और भाईचारे पर बल देते थे। इन्हीं में से एक थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा साहब का जन्म ईरान में हुआ था। अपने जीवन के कुछ पड़ाव वहां बिताने के बाद वे हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में अजमेर उनके रूहानी सुकून की जगह बना। अकबर की मन्नत हुई पूरी। एक बार बादशाह अकबर ने इनकी दरगाह पर पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी। ख्वाजा साहब की दुआ से बादशाह अकबर को बेटे की प्राप्ति हुई। खुशी के इस मौके पर ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए अकबर बादशाह ने आमेर से अजमेर शरीफ तक पैदल ख्वाजा के दर पर दस्तक दी थी। बेजोड़ वास्तुकला, तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित दरगाह शरीफ वास्तुकला की दृष्टि से भी बेजोड़ है। यहाँ ईरानी और हिंदुस्तानी वास्तुकला का सुंदर संगम दिखता है। दरगाह का प्रवेश द्वार और गुंबद बेहद खूबसूरत है। इसका कुछ भाग अकबर ने तो कुछ जहांगीर ने पूरा करवाया था। माना जाता है कि दरगाह को पक्का करवाने का काम मांडू के सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। दरगाह के अंदर बेहतरीन नक्काशी किया हुआ एक चांदी का कटघरा है। इस कटघरे के अंदर ख्वाजा साहब की मजार है। यह कटघरा जयपुर के महाराजा राजा जयसिंह ने बनवाया था। दरगाह में एक खूबसूरत महफिल खाना भी है, जहां कव्वाल ख्वाजा की शान में कव्वाली गाते हैं। दरगाह के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी स्थित हैं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को गरीब नवाज की दरगाह से सबक लेना चाहिए। यहाँ का मुख्य पर्व उर्स कहलाता है, जो इस्लाम कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। उर्स की शुरुआत बाबा की मजार पर हिंदू परिवार द्वारा चादर चढ़ाने के बाद ही होती है। ऐतिहासिक है देग। दरगाह के बरामदे में 2 बड़ी देग रखी हुई है। इन देगों को बादशाह अकबर और जहांगीर ने चढ़ाया था। तब से लेकर आज तक इन देगों में काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, केसर के साथ चावल पकाया जाता है और गरीबों में बांटा जाता है। मैं अतीक रहमान, नोवे इंडिया न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। रोजाना बड़ी खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।